सरपंची का चोन लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से जानलेवा हमला होया। मोटरसाइकलों से सवार होकर हमलावर आते हैं, फिर उन्होंने वालों तेजधार हथियारों के नाल हमला किया जाता है। दसिया जा रहा है कि 8 to 10 नौजवान मोटरसाइकिल से सवार होकर आते हैं, उन्होंने वालों आम आदमी पार्टी तो सरपंच का चोन लड़ रहे उम्मीदवार परमजीत सिंह अपना निशाना बनाया जाता है, फिर उन्होंने तेजधार हथियारों के नाल हमला किया जाता है। तो खबर मलेरकोटला के पिंड बागड़िया तो सामने आई है, जिथे कि आम आदमी पार्टी तो सरपंची का चोन लड़ रहे ने उम्मीदवार, तो उस उम्मीदवार से जो हमलावर के वलों हमला किया जाता है। हालांकि उम्मीदवार ने इल्ज़ाम लगाए ने कि जो दूसरा धेरा जिन्हों के वलों सरपंची के चोन अपने उम्मीदवार ऐलाने गए हैं, तो उन्होंने वलों ही जो है हमला किया गया। हालांकि दसिया जा रहा है कि वह पिंड होर लोगों बैठे हुए थे पिंड वाले इन्नी देर में ही 8 to 10 जो है हमलावर 4 मोटरसाइकलों से सवार होकर आते हैं, मोटरसाइकिल तो उतरद्या ही उन्होंने वलों तेजधार हथियारों के नाल उम्मीदवार से हमला कर दिया जाता है। उम्मीदवार का यही कहना कि मैं इंसाफ की मांग करता वा, जिस तरह मेरे ते जानलेवा हमला किया और उन्होंने वालों लुक छिप के अपनी जान बचाएगी, क्योंकि तेजधार हथियारों के नाल जिस तरह का हमला किया गया तो वड्डा हादसा भी वापर सकता सी। खबर मलेरकोटला के पिंड बागड़िया तो सामने आई है, जिथे कि आम आदमी पार्टी तो सरपंची के उम्मीदवार से जानलेवा हमला होया, तेजधार हथियारों के नाल हमला किया गया। और दसिया जा रहा है कि 8 to 10 जो हमलावर से बाइक पर आए थे, इस संबंधी पुलिस के वलों जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस के वलों जो बयान है वो दर्ज किए जा रहे हैं कि ता जो अगे की कार्रवाई जो शुरू की जा सके। ये प्रभदीप सिंह पुत्र अवतार सिंह के मुंडे ने हमला कराया जी, मेरे से गुरदीप सिंह नियामपुर तो वह मैं छे तरीक न शाम 6 बजे आके धमकी दे के गया, कहना असी ने बबर जी आना, तू आपके कागज वापस ले ला, सानू जो करना मर्जी करना पै जाए असी हर एक हीला अपनावे भी तू आपके कागज वापस ले ला। महा पिंड बाकड़िया तो जी सरपंची की जी हारे हुए बखलाहट चाहे पे ने जी भी हार रहे कहने भी साडे असी आम आदमी पार्टी का गुरदीप सिंह जिहड़ा नियामतपुरा जी वह कहना साडा जिहड़ा ये प्रभदीप सिंह बब्बर आ जी भी यह साडा ब्लाक प्रधान आ, जे हार गया साडी बेइज्जती आ, ठीक है जी, हैगा मैं भी आम आदमी पार्टी चा जी है जी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਹੋਣੀ ਗਏ ਲੱਭੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਗੜਾਸੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਗੜਾਸੇ ਰਾੜਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗਣ ਸਾਹਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਇਰਾਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? हर 50 साल तो साढ़े पिंड च इलैक्शन लड़ी जा रही है जी, पूरी शांति माहौल में इलैक्शन लड़ी जा रही है, पर गुंडागर्दी तो उतर है जी अपनी हार नू देखते हुए। हाँ जी, की कारण की हो रहा लड़ाई? सरपंच ही लड़ते जी, सरपंच ही। अच्छा, किहड़े पिंड तो? बागड़िया जी, भाई के बागड़िया। इन्होंने हमला, पिंड का नाम की है? भाई के बागड़िया जी। भाई के बागड़िया, हाँ जी। इन्होंने हमला किया, वो कौन? कुछ ठीक कह सकते हैं जी, तीन पार्टियां ने जी, देखो जी मैं तो कुछ नहीं कह सकती जी, किहड़े पर पता लगूगा जी। तुहानू किवें पता लग गया? मैं तो पता नहीं, मैं घर सी जी, मैं तो मेरे साडे गुआंढियां ने मेरे दराणे खड़े दसा कहते बस बस स्टॉप से इतने पोस्टर ला रहे थे, खड़े से नॉर्मल मुंडे पोस्टर ला रहे थे, बस पोस्टर लाने दे अटैक करता। ये आम आदमी पार्टी का छोटे हस्बैंड का सीधे तौर पे नाम ले रहे हैं, कई बंदे थे भी उन्होंने मेरे से हमला किया। हाँ जी, कहीं है मेरे पर हूँ की पता जी, तो हूँ हौली हौली पता लगूगा जी, है ना। इंसाफ तो होना चाहिए जी, इन ज्यादा सट्टा लगी जी, असं ऐसी भाईचारे चाहिए जी, असं खड़े जी जनरल सीट से साढ़े खड़े सी मेरे हस्बैंड। मेरा नाम है जी भाई नरपत सिंह बागड़िया। की गल हुई है तुहाडे पिंड इलैक्शन दे बाद? सर एक्चुअली काफ़ी दिनों तो रौड़ा चल रहा है, दबाव चल रहा है, सर्टन लोग इनवॉल्व है गए है, इन्होंने धमकियां आ रही सी। मैं पिंड बैठा सी, मैं क्या जो साडे पिंड घट्टो घट 50 साल इलैक्शन में हो गए, कभी इस टाइप की असी किसी कोई फोर्स करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो सानू फोन आया कि पम्मी ते अटैक हो गया। तो घटो घट कहते 8 to 10 जाने से, 2 मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल से, 4 मोटरसाइकिल 4 मोटरसाइकिल आह दोनों
सोमा जी और बलविंदर जी दोनों उत्थे बैठे सी मौके ते, इन्हें काफ़ी सट्टा लगी है अंदर। इन्होंने तुहाडे चैनल दे राही बंदियां दे नां भी बोलते है। सानू उन बंदियां दे खिलाफ परचा चाहिए, इनकुआयरी चाहिए, केड़े केड़े अगे इनवॉल्वड है बंदे, असी उस दे ते जांच चाहवांगे। SHO मैडम आ गई है, साडे DSP साहब नाल भी गल हो गई है, उन्होंने भी दसता है। पर तुहाडे चैनल दे राही असी यह दसना चाहवांगे कि जिहड़े बंदियां ने काम कराया उन्होंने ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੈਨਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਸਟਰ ਵੱਡੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੰਡ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫੈਵੀਕੋਲ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਸਾਰ ਪੰਮੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਡਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। चार मोटरसाइकिल पम्मी दे हालात जी थोड़े सामने आई, हुण तुसीं देख के आए अंदर गंडासे लगे ने जी, ठीक है जी, लत्तां ते मारे गए। इस तों वध भी हो सकदा सी जे उह फल वाली रेहड़ी ना हुंदी जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚਾਓ ਚ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਵੱਢੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਰਪ ਦੀ ਅਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈਸੀਰੇਟਡ ਵੂਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਨ ਆਫ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਵਾਈਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੋਲ ਚਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਫੁੱਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੈਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ MLR ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮੈਮ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ? ਬਾਗੜੀਆਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਲਾਭੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 112 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਇਹ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਰਦਰ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ MLR ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ।